हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो रीजनिंग का है। इसके अंदर रीजनिंग का टॉपिक है असंगत को अलग करना, यानी कि जो इन चारों में से चार ऑप्शंस होंगे, चारों में से जो अलग होगा उसे हमें पहचानना है। तीन ऑप्शन में कुछ ना कुछ समानता होगी। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले आपको बताऊंगी। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में देखो, अब तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी तीन से अलग है। तो देखो, ये रेखाओं से बनी हुई आकृति है, ये भी रेखाओं से बनी हुई आकृति है, और ये भी रेखाओं से बनी हुई आकृति है, लेकिन ये रेखाओं से बनी हुई आकृति नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये वृत्त हो गया, ये बाकी तीन से अलग हो गया। अब उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो, ये चार चित्र दिए हुए हैं इसके अंदर। ये क्या है? ये चांद का चित्र है, ये सूरज है, ये बल्ब है, और ये त्रिभुज है। तो इन चारों में अलग क्या हुआ बच्चों? देखो, ये भी हमें रोशनी देता है, इससे भी रोशनी मिलती है, इससे भी रोशनी मिलती है, लेकिन इससे नहीं मिलती, तो ये अलग हो गया। अब नेक्स्ट है, देखो इसे ध्यान से देखो, इन चारों में से कौन सा अलग है? ये एक रेखा है, इसमें ये तीर का सा निशान बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और इसमें भी बन रहा है, तो इसमें अलग क्या हुआ? समझ में आया किसी को? देखो, ये रेखा इस तरफ जा रही है, इधर तीर का निशान है, ये इधर जा रही है, इसमें इधर निशान है, एक ये ऐसी है जो इस तरफ आ रही है और इस तरफ तीर का निशान है, और ये भी इस तरफ जा रही है, तो बाकी तीन तो कहाँ जा रही है? सीधे हाथ की तरफ। तो अलग कौन सा हो गया बच्चों? ये वाला अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये देखो, इसमें लिख रहा है FOUR, ये चार ऑप्शन है इसके। अब इन चारों में हमें बताना है कि कौन सा अलग है। ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से। इस ये पांच बताने के बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए। FOUR, इसमें आया RUF, OURF, ONFT। तो बच्चों, कौन सा अलग हुआ? मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि ये तीन तो ऐसे हैं जिसके अंदर चार ही लेटर्स यूज हुए हैं, FOUR, उन्हीं को घुमा फिरा के यूज किया हुआ है। इसके अंदर नया लेटर आ गया NRT, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आंख, नाक, कान और शरीर, इन चारों में से कौन सा अलग है? आप लोग सोच के बताइए फटाफट से। देखो, आंख, नाक, कान, ये तीनों शरीर के एक अंग है ना, और शरीर पूरा होता है, तो इस ये किसी का अंग नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? शरीर हो गया। आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से देखो, मैं अब आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, और वो हमें करके दिखानी है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ। आप चाहो तो देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट फोन में जो राइट साइड छोटा बटन होता है उसको, और वॉल्यूम वाले बटन को नीचे से क्लिक करके हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फोटो लेके रख लो, इस क्वेश्चन इनको आपको करना है। ठीक है, ले लिया होगा अब तक सभी ने। और ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, जिससे कि आप इसको आराम से कर लो। और मैं इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक बार फटाफट से इससे पहले वाली वीडियो के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसके आंसर देख लो आप, और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मिला लो। देखो, ई एन था, ए ओ था, तो नो बन गया। मकर, एम, मै का एम था, कै का ए था, और रे का टी था, तो मैट बन गया। इसी तरह से मैंने सारे बनाए हैं, पेन, गो, नेट, काइट, पॉट, मैन, डॉग, पिन, टॉप, नॉट, इंक और किंग। ये सारे आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर्स भेजे थे, बाकी सब बच्चे भी इस तरह से व्हाट्सएप पे मुझे काम करके फोटो भेजते रहो। ओके, बाय बाय।